हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी से स्नैक्स की रेसिपी, जिसे आप सुबह शाम के नाश्ते में बना सकते हैं। और ये बहुत ही कम ऑयल में बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए कुछ धनिया के पत्ते, जिसे मैंने कट कर लिया, और 2 से 3 लहसुन की कलियाँ ली हैं जिसे मैंने चॉप कर लिया, 1 हरी मिर्च ली है चॉप की हुई, 1 मीडियम साइज़ का प्याज उसे भी मैंने चॉप कर लिया है, और 1 आलू है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। ये बॉईल किया हुआ आलू है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे ना डालें। तो यहाँ पे मैंने ली है मूंग दाल, जिसे कि मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रखा था, फिर इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है, और इसमें मैंने अदरक और हरी मिर्च डालकर ग्राइंड किया था। तो अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच सूजी के, इसे भी मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए हम ढककर कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि सूजी जो है फूल जाए। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं, हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे धनिया पत्ती, अदरक, लहसुन और आलू जो हमने ग्रेट किया हुआ है इसमें डाल देंगे। और साथ में इसमें डालेंगे मसाले। तो यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, 1/2 छोटा चम्मच इसमें धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच इसमें जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1/4 चम्मच इसमें गरम मसाला डाल दिया है। और इन सब मसालों का हमें इसके साथ मिक्स कर लेना है। बहुत ही टेस्टी ये स्नैक्स बनकर तैयार होता है, आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं। तो ये सारे मसाले हमने मिक्स कर दिए हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक, क्योंकि नमक मैं पहले डालना भूल गई थी, तो इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डालें, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पे मैंने लिया अपम स्टैंड, और इसमें ऑयल लगा लेंगे, बहुत ही थोड़ा सा ऑयल इसमें यूज़ करेंगे। ये देखिए, बस इसे हम ग्रीस ही करेंगे। और अब 1/4 चम्मच इसमें डालेंगे इनो, और ऊपर से थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्स कर देंगे। ये देखिए अच्छे से हो गया है मिक्स। तो अब इसे फिल कर देंगे अपम में, इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा मटेरियल लेकर सारे अपम को भर देंगे, और इसे स्टीम करेंगे 1 मिनट के लिए। तो इसे कवर करके हम स्टीम करेंगे 1 मिनट के लिए। देखिए 1 मिनट के बाद, अब इसे चेक कर लेते हैं नीचे से कैसे बने हैं, देख लेते हैं। ये देखिए रेडी हो गए हैं। अब तो हम साइड चेंज कर देते हैं इस तरह से, और इस तरह से सारी साइड चेंज करने के बाद इसे भी 1 मिनट के लिए इस तरफ से भी हमें स्टीम कर लेना है। तो ये अपम हमारे रेडी हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी ये बनकर तैयार हुए हैं। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं, कोई मेहमान आ जाए तो आप फटाफट से इस रेसिपी को बना सकते हैं। ये देखिए बनकर रेडी हो गए हैं। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे, तब तक के लिए बाय।